इस मूंछों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है? क्या केवल वही स्टाइल दिखा सकते हैं? क्या वही ताव दे सकते हैं? वर्ष का लगातार संघर्ष रहा है इस देश की आजाद कराने का, और उस देश को आजाद कराने के बाद 90 वर्ष के बाद हमने जो अधिकार प्राप्त किए थे, वे जो खतरे में पड़ने जा रहे हैं, वो बचाने के लिए भी हमें उतनी ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमें आजादी के लिए लड़नी पड़ी थी। जनजाति अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके हमारे आज के सभा के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, हमारे सभी सम्मानित विजय कसाना जी, उनकी टीम के सदस्य, हमारी बहन जी अशोक अज्ञानी जी जिनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, हमारी संचालक शशि बहन जी, आपने जो ये बीड़ा उठाया है संविधान को बचाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जो जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल में, उसी मैनेपन से आपने जो जवाब दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आपने सामयिक जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं, जो तुरंत मुद्दे चल रहे हैं, निजीकरण के संबंध में जो हमारे ठेके पर रखे गए कर्मचारी उनके संबंध में, संविधान जो खतरे में है उससे सभी को आगाह कराने के संबंध में, संविधान की उन धाराओं को जो हमें समानता का अधिकार देती हैं, उनके संबंध में आवाज उठाने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, और दिल्ली के उस महत्वपूर्ण स्थल से जहां से संसद मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आवाज आपके माध्यम से सीधी संसद के गलियारों में जा रही है। और जिस तरह से हमारी एक बहन जी अब यहाँ कह रही थी कि मूंछों की लड़ाई, क्या ये इस मूंछों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है? क्या केवल वही स्टाइल दिखा सकते हैं? क्या वही ताव दे सकते हैं? ऐसा नहीं है, सबका अधिकार है। 1947 में जिस संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी और 50 में 26 जनवरी को लागू हुआ, आज उस पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए आपका यहाँ एकजुट होना, यह दर्शाता है कि आप न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। और यह आपकी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को एक अंधेरे में जाने से बचाएगी जो 90 वर्ष का लगातार संघर्ष रहा है इस देश की आजाद कराने का, और उस देश को आजाद कराने के बाद 90 वर्ष के बाद हमने जो अधिकार प्राप्त किए थे, वे जो खतरे में पड़ने जा रहे हैं, खतरे में डालते दिए जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आपका एकजुट होना न केवल आवश्यक है बल्कि जरूरी भी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। क्योंकि बलिदान आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए देना होगा। यदि आज आप बलिदान नहीं देंगे, याद कीजिए धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 में जो बलिदान दिया, 3 दिन पहले हमारे भाइयों ने उनका स्मरण किया, 3 दिन पहले उनकी शौर्य गाथाएं गाई गई। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां जो कर रहे हैं वो गुमनामी के अंधेरे में जाएगा, उसे हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा, इतिहास आपका ऋणी रहेगा। और यदि जो आप अधिकार और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि हम आजादी की लड़ाई को लड़ करके आए हैं। आजादी की लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन आजादी को बचाने का भी एक संघर्ष है, और आजादी को बचाने के लिए भी हमें उतनी ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमें आजादी के लिए लड़नी पड़ी थी।
मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप सभी को साधुवाद देता हूं, आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया। इस कदम में न्याय पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रही है। मैं आपका संचालक महोदय का सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस सुंदर आयोजन के लिए आपका बहुत ही बहुत साधुवाद प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।